जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश का 90% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अगर वैल्यू की बात करें तो टोटल ट्रेड का 70% से ज्यादा वैल्यू पोर्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और हमारे देश के सभी पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कुल मिलाकर 1500 मिलियन टन पर ईयर है। लेकिन 2025 तक हमारे देश में कार्गो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़कर 2500 मिलियन टन पर ईयर होने का अनुमान है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश में पोर्ट्स की कैपेसिटी को इन्हेंस करना काफी आवश्यक है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक हमारे देश के पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 3500 मिलियन टन पर ईयर तक किया जाए, एवं इसके लिए हमारे देश में नए मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा और पुराने एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। इनके निर्माण के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर जाएगी एवं लॉजिस्टिक्स पे लगने वाले खर्च में भी कमी आएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं बेलेकेरी पोर्ट के बारे में, जो कि कर्नाटक स्टेट के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंकोला तालुका में स्थित है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है जिसका निर्माण सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह पोर्ट 154 हेक्टेयर्स के लैंड एरिया में फैला होगा। इस पोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट का टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुका है, जिसको कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट AECOM टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है वर्ष 2016 में। इस पोर्ट के बन जाने के बाद मुरमुगांव पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट से कार्गो ट्रैफिक लोड भी रिड्यूस होगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पोर्ट साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेल कनेक्ट होगा वाया डेडिकेटेड रेलवे लाइन, एंड नेशनल हाईवे नंबर 66 और नेशनल हाईवे नंबर 48 से भी वेल कनेक्ट होगा। इस पोर्ट को टोटल 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, एवं पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 36.68 मिलियन टन पर ईयर होगी। इस पोर्ट का फेज 1 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा, और पूरी तरीके से यह पोर्ट 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा, एवं इसके निर्माण में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर आप सागरमाला परियोजना की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आइकन को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।